दोस्तों स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका दोस्त राकेश शर्मा और ये है डॉक्टर करणी सिंह का स्टेडियम, डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर, जहां पर कि हम आए हुए हैं। और आज डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम दशहरा 2022 बीकानेर में आयोजित होने वाले उत्सव के लिए तैयार है। ये पीछे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लगातार कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, सभी आगंतुकों के लिए अच्छी सी तैयारी की गई है। और कुर्सियों के पीछे ये देखिए बड़ा विशाल का एक ग्राउंड है और इसमें तीन लगातार पुतले आप जैसे आप देख पा रहे होंगे, तीन पुतले लगे हुए हैं और ये तीसरा पुतला सबसे जो ग्रीन कलर का है वह है कुंभकर्ण का पुतला, जो कि सबसे एक्सट्रीम राइट की लेफ्ट के एक्सट्रीम राइट में है और बीच में दशानन रावण दस सिरों का, और ये हैं येलो कलर वाले मेघनाथ इंद्रजीत, और तीनों का पुतले बनकर तैयार खड़े हुए हैं। और शाम को यहाँ एक अच्छा खासा प्रोग्राम होने वाला है जिसके कि हम आपको कोशिश करेंगे लाइव कर दिखाने की। तब तक के लिए नमस्ते, शुभकामनाएं, हैप्पी दशहरा और हैप्पी नवरात्रा। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस। इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हम आप सभी दोस्तों नमस्ते, सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। आज हम बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में हैं और इस पुतले को हमने बनते हुए आपको पूरा दिखाया था। सेकंड पार्ट में हम इसको दिखा रहे और बहुत ही कम समय में आपका लेते हुए मैं बताना चाहता हूं कि विजयादशमी पर बुधवार को बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में हजारों लोगों ने ऐसा ही नज़ारा देखा, जहाँ श्री राम के तीरों से 75 फीट ऊँचे दशानन का सिर कटकर जमीन पर आ पड़ा। लंकापति रावण अनेक अलंकारों से भूषित होने पर भी भयंकर प्रतीक हो रहा था। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, रावणो लोका रावण, यानी जो संसार को रुलाए वही रावण। कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण की कुसंगति के कारण धराशायी हुए और चहुओं ओर श्री राम का जय घोष गूंजा, लगातार गूंजता रहा। आतिशबाजी और लाइव बैंड की प्रस्तुति ने इसको और उल्लास और सुरम्य बना दिया। 2 साल बाद 25,000 यहाँ पे साक्षी बने। 2 साल बाद मनाए गए दशहरा 2022 बीकानेर में कोरोना रूपी रावण को हराकर पहुंचे लोगों के चेहरे पर असाधारण प्रसन्नता और अति उत्साह दिखाई दिया। करणी सिंह स्टेडियम में 25,000 और मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में के रावण के लिए 15,000 और धरणीधर मैदान के अंदर लगभग 10,000 लोग रावण के वध के साक्षी बने। जन मन में फैले इस आनंद के भीतर विश्वास था, रावण की उन्मत्त उद्दाम अत्याचारी लोलुप राज सत्ता पर श्री राम के सत्य न्याय सदाचार की विजय का आज जय घोष हुआ। विजयादशमी विलास व मादकता के प्रतीक रावण को मिटाने वाले श्री राम की विजय का सनात। लंका काल में मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती थी, अहंकार सी बुद्धि अजमन शशि चित महान, मनुष्य बाज सथरासर रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि चंद्रमा मन और महान विष्णु ही चित्त है, उन्हीं के चराचर रूप भगवान श्री राम की मनुष्य रूप में आज निवास करके रावण का वध किया है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, इसी प्रकार का अपडेट अच्छा लगे तो जरूर अपने कमेंट से मुझे लाभान्वित करना, बताना कैसा लगा। और ये वीडियो थोड़ा लंबा और था इसलिए इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, आगे की झांकियां का मैंने नहीं दिखा पाया, जबकि मेरे पास वीडियो तो था मगर वीडियो लंबा हो रहा था। अपने आपके कीमती कमेंट का मैं इंतजार करूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, विजयादशमी और नवरात्र महापर्व की शुभकामनाएं। मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा। बहन जिसने प्रभु श्री राम को कहा मुझसे विवाह करो,
ये कृपया ध्यान दें कि कार्यक्रम समाप्त होने के लिए पर्याप्त संख्या में जब लोग निकल जाए, फैमिली वाले लोग वहां से निकले, कृपया करें कोई जल्दबाजी नहीं करें, कोई हल्का नहीं करें, आप 10-15 मिनट कार्यक्रम समाप्त। और अब सुपर काफी भी हंस रही है, इस वजह से रहा है कि उसकी माया का जाल अभी भी चल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। मेरा नाक काट दिया है तो नाक काटने को इज्जत काटना, इज्जत का खलूदा होना समझा गया। और उसके बाद रावण भगवान की राम की अनुपस्थिति में लक्ष्मण रेखा को पार करवा कर सीता को धोखे से अपहरण कर लंका ले जाता है। तीन था ये सुपर था का ही गया हुआ था। जयराम हमारे ठीक भाई हुई। और उसके बाद धमाके भरा धमाके हुए हुए ये जो ऊपर जाके धमाका करता है, इसका नाम कपूर सिंह है। ये बहुत बड़ा हो गए तो बड़ा हो कह सकते हैं, और जो ऊपर जाता है तो रोशनी से हमारे गाँव को बहुत प्रभुत सारी जगह से इसका दहन करना चाहते हैं। आज डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में ये हजारों लोगों की भीड़ इसी बात की गवाह है कि हम किसी भी रूप में अगर न्याय है, दम है, झूठ है, उस सब का यहाँ पर खात्मा करना है। और एक बार फिर मिलकर हम सब इस बात का जयघोष करें, जय श्री राम। और जैसे जैसे आपकी आवाज में बुलंदगी आएगी, लंका और तेजी से दहन होगी। देख रहे हैं कि पूरा माहौल जिसमें ये मोबाइल, जैसा संजय ने पहले बताया कि ताले जमीन पर आ गए हैं और सब अपने अपने मोबाइल से इस नजारे को, इस अन्याय को समाप्त होता हुआ देख रहे हैं। और इन चेहरों पर जो रोशियां अभी देख रहे हैं रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण की, थोड़ी ही देर बाद आप सब की उपस्थिति में ये अन्याय रूपी टुकड़े यहाँ पर दहन हो जाएंगे। हम संकल्प लेकर जाएंगे जब लंका दहन हो रही है, और इसके बाद धीरे धीरे इन तीनों अहंकारियों का भी यहाँ पर विनाश होना है। और उससे पहले जो नजारा होगा उसे आप अपने कैमरों में जरूर कैद करेंगे। हालांकि पूरी मीडिया आज इसे कवरेज करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। हमारे डिस्ट्रीब्यूट गेस्ट इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, और सबसे खास ये तमाम बीकानेर वासी जो आज डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम के अलावा मेडिकल कॉलेज ग्राउंड, धरनीधर ग्राउंड, कुल मिलाकर लाखों की संख्या में लोग अन्याय के विरुद्ध यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सारा राउत टैंक की ओर किया गया है। 2 साल के बाद का ये नजारा जिसके लिए गणेश जी बधाई के पात्र है। तो पहले मेरी बात हमारे दाई तरफ है।
पीली जो ड्रेस है, येलो येलो डर्टी फेलो, ये मेघनाथ जी है। और पहले मेघनाथ जी को मेघनाथ बहुत मायावी नाच हुआ था और उसकी माया का जाल था, भयानक था। Thank you.
है। Thank you.